सभी विपक्ष के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, हम पार्टी की तरफ से मांझी जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदानंद सिंह जी, माले की तरफ से महबूब विधायक जी, हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जो सीबीआई की जो हमारी मांग है, सरकार कहीं ना कहीं से सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, हाईकोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच नहीं कराना चाहती, क्योंकि चोर के दारी में तिनका और कुछ दाल में काला है। आरोपियों को वो बचाना चाहते हैं और इसमें बड़े बड़े जो नाम हैं उनको ये बचाने का साजिश है, और बिहार पुलिस अपने पास ही रखना चाहता है। बल्कि जब राजनाथ सिंह, जब पार्लियामेंट में ये बात उठी तो राजनाथ सिंह जी ने ये बोला था कि बिहार सरकार अगर मुजफ्फरपुर की घटना का सीबीआई रिकमेंडेशन अगर केंद्र सरकार को करती है तो वो इसे एक्सेप्ट करेगी और निष्पक्ष जांच कराने का काम करेगी। तब जब केंद्र मंत्री जब राजी हैं, गृह मंत्री जब राजी हैं, तो हमारे चाचा और सुशील मोदी जी को क्या एतराज़ है? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी के ब्रजेश ठाकुर करीबी हैं, इस वजह से वो नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो, इस वजह से नहीं चाहते क्योंकि उनके कमरों में उठना बैठना होता है, मुख्यमंत्री उनके चुनाव में प्रचार करने का काम करते हैं। तो हमारा सदन से लेकर के सदन के बाहर तक ये आंदोलन और मांग चलेगा कि जो मुजफ्फरपुर जो घटना हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर जांच हो और बिहार सरकार जल्द से जल्द रिकमेंड करे। ये ना हो कि 4-5 दिन केस अपने पास रख करके रिकमेंड ना करके, हम लोगों को डर है कि जितने भी सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसको मिटा करके हो सकता है बाद में ये रिकमेंड करेंगे। इसमें अविलंब आज हम लोग सब लोग, महबूब जी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मांझी जी, सब लोग, हम लोग अभी जाएंगे मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर में देखेंगे कि क्या स्थिति है, जांच जो है ठीक से चल पा रहा है नहीं चल पा रहा। लेकिन जिस प्रकार से बिहार शर्मसार हो रहा है, जिस हिसाब से बिहार बदनाम हो रहा है, बच्चियों के साथ महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं पूरे बिहार में, कहीं ना कहीं से सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कही जाती थी, जब गवर्नर ने ये कह दिया कि थाना मत फोन करो, हमारे पास फोन करो, तभी ये तय हो गया कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिहार में कोई सरकार नहीं, सरकार में बैठे हुए लोग केवल अपनी चिंता करते हैं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं, बिहार का हित नहीं चाहते। इस वजह से हम सभी विपक्ष के लोग गोलबंद होकर के जनता के साथ खड़े होकर के उनके साथ मिल करके संघर्ष करने का काम करें।